नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल नमस्ते रेसिपीज़ में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और पारंपरिक रेसिपी जिसका नाम है फारा। इसे हम चावल का पीठा या चिवा फरा भी बोलते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरे वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी। इस वीडियो में मैंने स्टीम्ड और फ्राइड दोनों फरा बनाने की रेसिपी शेयर की है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया 1 कप मसूर का दाल, जिसे मैंने अच्छी तरीके से धोकर करीब 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। इसी तरह मैंने यहाँ पे 1/2 कप चना का दाल लिया है और उसे भी धोकर अच्छी तरीके से 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था। तो हमें इन दोनों दाल का पानी अलग कर लेना है और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। तो मैं यहाँ 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ मसूर की दाल में, और ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। हमें इसे हल्का दरदरा ही ग्राइंड करना है, हमें इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है। तो इसी तरह मैंने चने के दाल को भी ऐसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब हम इस चने के दाल को इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे करीब 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ती, करीब 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और करीब 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम डालेंगे इसमें करीब 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, करीब 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, करीब 1.5 छोटा चम्मच नमक या आपके स्वादानुसार, करीब 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और करीब 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे करीब 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला का। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करते करते ही इसे हमें अच्छी तरीके से फेंट लेना है, जिससे कि जो हमारा मसाला है वो इन दाल के साथ अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए। तो हमें इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक लगातार फेंटते रहना है। तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ करीब 1/2 छोटा चम्मच नमक और, क्योंकि मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और इसे भी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम लेंगे एक बर्तन जिसमें हम ऐड करेंगे करीब 2 कप पानी, और इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब पानी हल्का बॉयल होना शुरू कर दे तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और लेंगे एक बोल जिसमें हम ऐड करेंगे 2 कप चावल का आटा। अब हम इसमें ऐड करेंगे करीब 1/2 छोटा चम्मच देसी घी या रिफाइंड ऑयल जो आपके पास अवेलेबल हो, और अब हम इसमें डालेंगे करीब 1/4 टीस्पून नमक, और फिर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो बॉइल्ड वाटर था, उसे हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके इस आटे में डालना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते रहना है। आप जितना कप आटा लेंगे आपको उतना ही कप पानी को बॉईल करना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना शुरू कर दिया, और हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है जिससे कि ये इजीली बाइंड हो जाए। तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके सारा पानी ऐड कर लिया है जो हमने बॉईल किया था, और मैंने इसे अच्छी तरीके से गूंथ लिया। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे जिससे कि जो आटा है हमारा वो अच्छी तरीके से फूल जाए। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं जो हमारा आटा है फूल चुका है, ये कितना सॉफ्ट है। हमें इसे बहुत हार्ड नहीं बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। लोई बनाने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। मैं अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमें इसे कुछ इस तरीके से शेप देना है, कटोरी जैसा। आप देख सकते हैं मैंने इसे ऐसे गोल शेप में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो मसाला का मिक्सचर है वो, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भरना है इसमें। तो इसे रखने के बाद हमें इसे दोनों साइड से ऐसे
कर देना है। आप देख सकते हैं जो हमारा फरा का शेप है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में रख देंगे और हम फिर से थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और फिर से इसे कटोरी का शेप देंगे और फिर से हम इसमें जो हमारा मसाला का मिक्सचर है वो रखेंगे और दोनों साइड से इसे ऐसे बंद कर देंगे। तो इसी तरह हम बाकी के जो हमारे फरा है उसे भी बना लेंगे। फरे खाने में तभी टेस्टी लगते हैं अगर इसका आटा थोड़ा सॉफ्ट हो। हार्ड हो जाता है जब इसका आटा, तो ये खाने में बहुत ही बेस्वाद देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप जो इसका आटा है उसे थोड़ा सॉफ्ट ही सानें, जिससे कि जब फरे स्टीम हो तो वो खाने में काफ़ी अच्छे लगे। तो अब मैं यहाँ देने वाली हूँ थोड़ा सा अलग शेप, जिसे हम चेउआ भी बोलते हैं। तो हमें इसे थोड़ा सा आटा लेना है और जब हम घी अप्लाई कर लें तो इसे कुछ इस तरीके से शेप दे देना है। इसे हम चेउआ भी बोलते हैं। तो ये इसी तरह से मैंने इस सारे चेउआ को बना लिया है और सारे फरे को भी बना लिया है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी, जिससे कि जो हमारा फरा है वो स्टीम होते टाइम इस पर चिपके ना। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था और अब मैं इसमें रखूँगी वो जाली जिस पे हमें फरे को रखना है। और अब हम इसमें एक एक करके जो हमारे बने हुए फरे हैं उसे कुछ इस तरीके से रखते जाना है। ये फरे बनाने में बहुत सिंपल होते हैं लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये दो तरीके से बनते हैं, एक फ्राई होके और एक स्टीम होके। दोनों में ही इसका अलग ही मज़ा है। तो मैंने यहाँ पे सारे फरों को अच्छी तरीके से रख दिया है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो हमने चेउआ बनाए रखे थे वो भी डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को रखने के बाद अब हम इसे ढक कर करीब 10 मिनट तक स्टीम करेंगे। 10 मिनट बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये पके हैं कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम चाकू को कुछ इस तरीके से डालेंगे। अगर ये चाकू में चिपके ना हो तो मतलब ये अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो ये जो हमारे फरे हैं और चेउआ हैं वो अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये दाल चावल का बहुत ही अच्छा मिक्सचर होता है, इसे लोग बहुत ही मन से खाते हैं। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें फरा को कुछ इस तरीके से चाकू से 3 पार्ट में कट कर लेना है। आप इसे चाहे तो अपने अकॉर्डिंग पतला या मोटा कट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे 3 पीसेस में कट कर रही हूँ। तो मैंने इसी तरह बाकी के फरा को भी कट कर लिया है। तो फ्राई करने के लिए लेंगे हम एक पैन और जिसमें हम ऐड करेंगे करीब आधा छोटा चम्मच देसी घी या रिफाइंड ऑयल जो आपके पास अवेलेबल हो। हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे करीब आधा छोटा चम्मच जीरा और हमारे कटे हुए फरे। तो अब मैं इसमें डाली हूँ करीब 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, करीब 1/4 टीस्पून नमक, करीब 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, करीब 1/4 टीस्पून चाट मसाला। तो यहाँ मैंने मसाला डाला है जिससे कि जो हमारे फरा है उनके मसाले अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाए। और अब मैंने यहाँ ऐड किया कटे हुए धनिया पत्ती। इन्हें डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, यानी कि जो हमारा फरा है वो अच्छी तरीके से फ्राई होकर रेडी हो चुका है। आप इसे चाय के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, या तो आप इसे ब्रेकफास्ट या तो शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं। इसलिए लोग इसे हरी चटनी के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। ये सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये देसी फरा की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। इस रेसिपी को बनाइए और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तो दोस्तों अब मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।